इस वीडियो में हम लीड कोड 2316 काउंट अनरीचेबल पेयर्स ऑफ नोड्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर एन नोड्स हैं। आपको एक 2D इंटीजर एरे एजेस दिया हुआ है जिसमें इन नोड्स के बीच में जो एजेस है उसकी लिस्ट दी हुई है। आपकी सारी एजेस क्या हैं? अनडायरेक्टेड है। आपको रिटर्न क्या करना है? नंबर ऑफ पेयर्स दैट आर अनरीचेबल फ्रॉम ईच अदर, ऐसी नोड्स जिनके बीच में कोई पाथ नहीं है। जैसे अगर हम ये ग्राफ लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके टोटल 7 नोड्स हैं। इसमें 0 और किस नोड के बीच में पाथ नहीं है? 0 से 3 में पाथ नहीं है, 0 से 1 में पाथ नहीं है, 0 से 6 में पाथ नहीं है। इसी तरह सेम 2 का भी पाथ 3 से नहीं है, 1 से नहीं है, 4 से नहीं है। 5 का भी 3 से नहीं है, 1 से नहीं है, 6 से नहीं है। 4 का भी 3 से नहीं है, 1 से नहीं है और 6 से नहीं है। जो भी इस कंपोनेंट की हमारी नोड्स थी उन सब का पाथ किसी दूसरे कंपोनेंट की नोड से नहीं है। तो इस कंपोनेंट से हमारे ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच में कोई पाथ नहीं है? 4 × 3 12 पेयर्स बनेंगे। फिर अगर मैं 3 देखूं, 3 का पाथ किस किस से नहीं है? एक तो इन चारों से नहीं है, 0, 2, 5, 4। लेकिन ये वाले क्या है, हमने 0 से 3 का पाथ ऑलरेडी ले लिया, तो हमें यूनिक पेयर्स रिटर्न करने हैं, यानी कि 0 to 3 और 3 to 0। इसको अलग अलग नहीं कंसिडर करना, ये आपका एक ही पेयर है। तो इसलिए हम 3 से 0, 2, 4, 5 ये वाले पाथ तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो 3 और किसके बीच में पाथ नहीं है? 3 और 1 के बीच में, 3 और 6 के बीच में, टोटल 2 पाथ्स और नहीं है। फिर अगर हम इस कंपोनेंट पे आएँ, 1 और 6 पे आएँ, तो इनसे किसके बीच में पाथ नहीं है? एक तो ये वाले कंपोनेंट और एक ये वाले कंपोनेंट। लेकिन ये हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं जब हमने इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को कंसिडर किया था, तो इसलिए हमारे ऑलरेडी सारे पेयर्स कंसिडर हो चुके हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 14। तो हमें यही रिटर्न करना है। नाउ हमने एक चीज़ नोट की कि जो भी हमारा एक सिंगल कंपोनेंट होगा उसकी सारी नोट्स आपस में कनेक्टेड होंगी। जैसे 0 से 2 का भी पाथ है, 0 से 4 का भी पाथ है, 0 से 5 का भी पाथ है। सिमिलरली मैं 2 से भी देखूं, 2 से 0 का भी पाथ है, 4 का भी पाथ है और 5 का भी पाथ है। तो एक कंपोनेंट की जो भी नोट्स होंगी वो सारी आपस में कनेक्टेड होंगी। कनेक्टेड क्यों होंगी? क्योंकि हमारी सारी एजेस क्या है? अनडायरेक्टेड है। और हमारी कौन सी नोट्स कनेक्टेड नहीं होंगी? इस कंपोनेंट की जो भी नोड्स हैं वो सारी की सारी नोड्स बाकी किसी भी कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं होंगी। तो अगर मेरे पास बाकी कंपोनेंट्स की नोड्स का काउंट हो, जैसे इसका 1, इसका 2, ये अगर मेरे पास हो तो मैं सीधा सीधा आंसर निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इस कंपोनेंट्स की नोड काउंट कर लूँ, कितनी है? 4 है। और बाहर कितनी थी? 1 + 2 3 थी, तो 4 × 3 डायरेक्ट मेरा इससे पेयर्स का काउंट आ जाएगा जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरी प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो रही है कि मुझे हर कंपोनेंट्स की नोड्स का काउंट निकालना है। जैसे मेरे इस कंपोनेंट में नोड का काउंट है 4, इसमें 1, इसमें 2। तो जब मैं इस कंपोनेंट को कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों के सम से। 4 × 3 आया 12। फिर जब मैं नेक्स्ट कंपोनेंट इसको कंसीडर करूँगा तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके आगे वाले कंपोनेंट्स के सम से, 1 × 2 यानी कि 2। मुझे इसको इसके पीछे वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें यूनिक पेयर रिटर्न करने हैं। तो इसलिए ये वाले हम ऑलरेडी जब इसको कंसिडर किया था कंसिडर कर चुके हैं, इसलिए हमें केवल इसके बाद वाले कंपोनेंट का सम कंसिडर करना है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम में ये करूँ, सारे कंपोनेंट्स की नोट्स का काउंट निकाल लूँ, उसके बाद बस मुझे क्या करना है? एक एक काउंट को कंसिडर करना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके आगे वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके सम से। और इस चीज़ को मैं एफिशिएंटली कैसे कर सकता हूँ? मेरे नोड्स का काउंट क्या था? 4 था, 1 था, 2 था। हर बार मुझे एक नोड को कंसिडर करना है, उसको उसके आगे वाले सम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे सफिक्स सम से मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका तो क्या है कि मैं पूरे एरे का एक लूप चला के सफिक्स सम निकालूं, उससे मेरा क्या है, ON का एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। इसको मैं एक वेरिएबल से भी कर सकता हूँ। मैं क्या लूँ, एक सफिक्स सम का एक वेरिएबल ले लूँ जिसको स्टार्टिंग में टोटल मेरी जितनी नोड्स थी, कितनी नोड्स थी, 7 नोड्स थी, उससे इनिशियलाइज कर दूँ। फिर जब मैं जिस नोड को कंसिडर कर रहा हूँ उसका मल्टीप्लिकेशन सफिक्स सम माइनस करंट नोड, 7 - 4, क्योंकि मुझे केवल इसके आगे वाली कंसिडर करनी थी, ये कंसिडर नहीं करनी थी, तो × 3 ये मेरा क्या आ गया, 12 आ गया। और अब मैं सफिक्स सम को अपडेट किससे कर दूँ, 7 - 4 3 से, कि अब मेरे आगे का सम केवल 3 बचा है, ताकि जब मैं इस नोड को कंसिडर करूँ तो मैं सीधा सीधा सफिक्स सम में से इस नोड को घटा दूँ, यानी कि मुझे 1 × सफिक्स सम 3 था -1 × 2 कर दूँ। इससे क्या होगा, सीधा सीधा मेरा ये वाला सम इस नोड के आगे वाला सम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास पूरा टोटल सम था,
फिर मैंने इस नोड को सब्ट्रैक्ट किया, अब मैं इस नोड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो कुल मिला के मेरा इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, इससे आगे वाला सम। तो हम एक एरे ना लेके एक सफिक्स सम केवल एक सिंगल वेरिएबल से उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 2, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 14, जो कि हमारा आंसर है। एक बार इसका हम कोड देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एजेस दी हुई हैं और एन नोड्स, टोटल नोड्स का काउंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्राफ प्रॉब्लम्स में, एजेस से हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, तो हमने वो यहाँ पर बनाई है। हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हर एक एज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्या बनेगी, दो एजेस बनेंगी, एक यू से वी और एक वी से यू, ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। फिर हमें क्या करना है, हमें हर एक कंपोनेंट की नोड्स का काउंट निकालना है। हमें पता है कि ये हम BFS से भी कर सकते हैं, DFS से भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर DFS का यूज़ किया है। उसके लिए हमें क्या लगता है, विजिटेड एरे लगता है, और हमें क्या करना था, हर एक कंपोनेंट की नोड के काउंट को स्टोर करना था। तो उसके लिए हमने एक वेक्टर ले लिया नोड्स काउंट करके, जो भी एक कंपोनेंट की नोड्स का काउंट आएगा वो हम इसमें पुश करते जाएंगे। फिर हमने सारी नोड्स के लिए लूप चलाया, अगर वो नोड विजिटेड नहीं है तो हम उस पर DFS लगा दें। DFS में हम पास क्या करते हैं, आई हमारा नोड नंबर जिससे हमें DFS शुरू करना है, एडजेसेंसी लिस्ट, विजिटेड एरे और एक काउंट जो कि स्टोर करेगा इस कंपोनेंट में टोटल कितनी नोड्स हैं। जब हमारा इस काउंट में रिजल्ट आ जाएगा कि इस कंपोनेंट में कितनी नोड्स हैं, तो हम उसे हमारे वेक्टर में पुश कर देंगे। एक बार हम इस DFS फंक्शन को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड DFS फंक्शन ही लगाया है। सबसे पहले जब हम नोड पर आते हैं हमें क्या करना होता है, उसे ट्रू मार्क करना होता है, उसके नेबर्स को देखना होता है, अगर कोई नेबर विजिटेड नहीं है तो उस पर फिर से DFS लगा दो, रिकर्सिवली DFS लगा दो। बस हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, क्योंकि हमें काउंट को स्टोर करना है, तो जब जब हमारी नोड विजिट होगी कोई, हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, इससे हमारा टोटल कंपोनेंट में जितनी नोड्स होगी उसका काउंट हमारे काउंट में आ जाएगा। अब हमारे पास हमारे वेक्टर में हर एक कंपोनेंट की नोड्स का काउंट आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हर एक कंपोनेंट की नोड के काउंट को मल्टीप्लाई किससे करना है, बाकी बचे हुए कंपोनेंट से। उसके लिए हमने देखा था हमें क्या चाहिए होगा, सफिक्स सम वेरिएबल, जो स्टार्टिंग में किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। एक हमने आंसर लिया जो कि अभी जीरो है। हमने हमारे नोड्स काउंट वेक्टर पर लूप चलाया, लूप चलाते हुए हमें क्या किया है, हर बार एक कंपोनेंट की नोड के काउंट को कंसीडर किया है, उसको मल्टीप्लाई किससे किया है, जो भी आगे वाला सफिक्स सम है उससे। वो हम कैसे निकाल रहे थे, जो हमारा ये सफिक्स सम है उसमें से करंट नोड को घटा दे रहे थे, और उसके बाद हमारे सफिक्स सम को अपडेट कर रहे थे किससे, सफिक्स सम माइनस जो भी हम नोड कंसीडर कर रहे थे उसको। तो इस तरह से हमारा लूप चल के क्या होगा, हमारे आंसर में सारे पेयर्स आ जाएंगे और लास्ट में हम इसे रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने DFS परफॉर्म किया है, DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ वी प्लस ई। और इसके बाद हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा लूप चला रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए। हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं, जितनी हमारी नोड हो, सारी नोड अलग अलग हो सकती है सिंगल सिंगल, क्योंकि बीच में कोई एज ही ना हो, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ऑफ वर्टिसेस जितने होंगे हमारे प्लस ऑफ वी, तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारी DFS की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ वी प्लस ई, किसके लिए, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट के लिए प्लस हमारे विजिटेड एरे प्लस ऑफ वी। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ऑफ वी प्लस ई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, ऑफ वी प्लस ई। नाउ अभी हम इसकी एक और अप्रोच डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये नोड्स काउंट इस वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें ये एक एक्स्ट्रा लूप भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस अप्रोच में हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन होता है उसका यूज़ करेंगे। तो एक बार वो अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। हमें टोटल क्या निकालना है, हमें वो पेयर्स निकालने हैं जिनके बीच में पाथ ना हो। हमें पता है कि अगर हमारे पास एन नोड्स हो और हमें पेयर्स फाउंड आउट करने हो कि इन एन नोड के बीच में कितने पेयर्स टोटल हो सकते हैं, तो हमारे कैसे निकलते हैं, एन सी टू। सी क्यों, क्योंकि हम 0 2 और 2 0 को एक ही कंसिडर कर रहे हैं, इनको अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहे। अगर इन्हें अलग कंसिडर कर रहे होते तो हमारा क्या होता, एन पी टू, अभी क्या होगा, एन सी टू। एन सी टू हमारा किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसके इक्वल होता है। हमारे टोटल पेयर्स कितने होंगे, इतने होंगे। अब हम अगर इस कंपोनेंट को कंसीडर करें, इस कंपोनेंट में हमारी कितनी नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, तो इनके अगर मैं टोटल पेयर्स काउंट करूं तो कितने बनेंगे, 4C2 बनेंगे। ये कौन से पेयर होंगे जिनके बीच में पाथ होगा, तो मेरे टोटल NC2 में से कितने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 4C2 हो जाएंगे इस कंपोनेंट की वजह से। इसी तरह इस कंपोनेंट के लिए कितने माइनस होंगे, माइनस 1C2, और इसके लिए माइनस 2C2। टोटल मेरे कितने थे, टोटल नोड्स कितनी थी, 4 3 7, 7C2 ये मेरी टोटल नोड्स थी। और इसमें से मैं अगर इस कंपोनेंट की वजह से जो मैं पेयर नहीं बना पाऊंगा वो
इसकी वजह से जो नहीं बना पाऊंगा और इसकी वजह से जो नहीं बना पाऊंगा उनको मैं अपने टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। कैसे? 7c2 कितना होता है? 7 6 42 2 21। 4c2 कितना होता है? 4 × 3 12/2 6। माइनस 1c2 कितना होता है? 1 × 0/2 0। और 2c2 कितना होता है? 2 × 1/2 1। तो 21 − 7 14, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। तो एक बार इस अप्रोच का भी हम कोड देख लेते हैं। इस अप्रोच में भी हमारा फ्लो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, फिर हम DFS लगाएंगे। DFS के अंदर हम क्या करेंगे, हम काउंट निकालेंगे हमारे एक कंपोनेंट के अंदर कितनी नोड है, उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बेसिकली जितनी भी नोड होगी C2, उतने हम पेयर्स नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले आंसर में जितने हमारे टोटल पेयर्स पॉसिबल थे एन नोड्स की वजह से वो हमने स्टोर कर लिए। कितने थे? NC2, N × N-1/2। इतने मेरे पॉसिबल पेयर हो सकते थे। उसमें से कितने नहीं बन पाएंगे? जितने भी मेरी एक कंपोनेंट के अंदर नोड्स होगी C2, उतने पेयर्स नहीं बन पाएंगे। तो मैं DFS लगाया, मेरा काउंट में उस कंपोनेंट की नोड का काउंट आ गया। फिर उससे मैं कितने पेयर नहीं बना पाऊंगा? काउंट C2, Count × Count-1/2। ये मैं अपने आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये मैं हर एक कंपोनेंट के लिए करूंगा और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। इस अप्रोच और प्रीवियस अप्रोच में डिफरेंस क्या है? इसमें हम कोई भी एक अलग से वेक्टर नहीं ले रहे हमारे काउंट को स्टोर करने के लिए, ना ही हमें इसके बाद एक एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ रहा है। ओवरऑल अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें बिग ओ के टर्म्स में, तो वो हमारा DFS ट्रैवर्सल वही डिक्टेट करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? OV+E। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? OV+E। थैंक यू गाइस।